कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग पॉइंट में। दोस्तों आपने भी अक्सर सुना होगा कि मोबाइल ब्लास्ट हो गए, चलते चलते ब्लास्ट हो गए, मोबाइल चार्जिंग पर लगे हुए हैं और आप उनसे बात करने लगे या कोई भी उनसे बात करने लगा और मोबाइल ब्लास्ट हो गया, चार्ज होते होते ब्लास्ट हो गया। ऐसी घटनाएं आपने अक्सर सुनी होंगी। आपने अक्सर ऐसी घटनाएं भी सुनी होंगी कि ऐसे बात करने से एक मोबाइल फट गया और एक आदमी की मृत्यु हो गई। इस टाइप की घटना आप अक्सर सुनते रहते होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप बच सकते हैं कि आपका मोबाइल ब्लास्ट ना हो। दोस्तों अक्सर ये घटना तब होती है जब मोबाइल ओवरहीटिंग हो जाता है। दोस्तों जब आप मोबाइल चार्ज करते हैं नॉर्मली उसकी हीट होने की एक रेंज होती है, वहाँ तक हीट होने के बाद वो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन किसी भी डिफेक्ट की वजह से या किसी भी कारण से अगर मोबाइल ओवरहीट हो जाए तो वो फट सकता है। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, उनको आप अपनाएं तो आपका मोबाइल फटेगा नहीं। अगर कोई एरर आ जाती है आपके मोबाइल में, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हार्डवेयर कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप उस घटना को रोक सकते हैं होने से और कोई भी क्षति होने से रोक सकते हैं, कोई भी दुर्घटना होने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, जब आपका मोबाइल चार्जिंग हो तो चार्जिंग के समय आप उससे कोई भी काम मत कीजिए, बातें भी मत कीजिए। बातें करते समय खतरा और ज़्यादा होता है क्योंकि आपके कान के पास होता है, अगर वहाँ वो फटा तो प्रॉब्लम होगी। दोस्तों चार्जिंग का मतलब यह है कि अब मोबाइल रेस्ट में है। जब मोबाइल चार्जिंग पर जाता है तो वो एक तरह से रेस्ट में जाता है, और अगर आप उस समय ही उसे यूज करेंगे तो वो फट सकता है, डैमेज हो सकता है। दोस्तों चार्ज करते समय एक तो वो हीट होता है, अगर आप उसे किसी और काम में लगा दें जैसे कॉलिंग में या इंटरनेट का यूज करते समय, तो दोस्तों वो ओवरहीट और ज़्यादा हो जाता है और फटने की संभावना और ज़्यादा होती है। और दोस्तों आप उसको धूप में चार्ज ना करें क्योंकि चार्जिंग के समय ओवरहीट होता है और धूप की वजह से और भी ओवरहीट हो सकता है। दोस्तों कोशिश करें जब आप चार्ज कर दें मोबाइल को उस समय बंद करें, बंद करके स्विच ऑफ करके मोबाइल को आप चार्ज करें। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप करके मोबाइल को फटने को आप रोक सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो दूसरों में शेयर करें जिससे कि दूसरों का भी लाभ हो और दुर्घटना होने से टल जाए। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।